हेलो बच्चों, वेलकम। सो बच्चों, हम डिस्कस कर रहे हैं मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट और अभी तक अपन इनफ्लोरेसेंस तक पढ़ चुके हैं। तो लास्ट लेक्चर में अपन ने इनफ्लोरेसेंस के बेसिक टाइप के बारे में डिस्कस किया था। मैंने आपको कहा था कि कुछ एडिशनल पॉइंट है जो आपको करने जरूरी है, उनके बिना आपके क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे और अगर एग्जाम में भी यहां से क्वेश्चन आ जाता है तो उसमें भी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो थोड़ा एडिशनल इन्फ्लोरेसेंस के बारे में पढ़ना जरूरी है। इवन इन्फ्लोरेसेंस के बारे में आपकी जो प्रैक्टिकल मैनुअल है 11th की, उसके अंदर भी ये सारे टाइप्स दिए हुए हैं। तो एनसीईआरटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो एनसीईआरटी में भी ये मेंशन है और यहां से प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो बेसिक टर्मिनोलॉजी, उसके बेसिक एग्जांपल्स, अपन एक शॉर्ट में स्टेटमेंट बेस्ड चीजों को डिस्कस करेंगे और ये लेक्चर वाकई आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा क्योंकि बहुत सारे सवाल हैं जो आपको यहां से मिल जाएंगे प्रीवियस ईयर एग्जाम में और उनको सॉल्व करने के लिए ये पढ़ना जरूरी है। समझ गए? तो शुरू करते हैं बच्चों। तो जो एडिशनल पॉइंट है वो किस तरह के हैं, अपने को उनके बारे में बेसिक चीजें जो है वो जानना जरूरी है। जैसे कि एक डायग्राम अगर अपन देखें, मैं आपको कुछ टर्मिनोलॉजी बताता हूं। जैसे ये है एक मेन एक्सिस, ठीक है। एक एक चीजों को स्टेप बाय स्टेप जो है समझते चलेंगे अपन। ये पेडिसेल और ये बना फ्लावर, ठीक है। ये पेडिसेल, ये फ्लावर, ये पेडिसेल, ये फ्लावर, ये पेडिसेल और ये फ्लावर। तो इस तरह का अरेंजमेंट आपको कहां देखने को मिलता है? इस तरह का अरेंजमेंट जो है वो कहां देखने को मिलता है? सिंपल सी बात है, ये क्या है? रेसेमोस टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस है भाई, ये रेसेमोस टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस है, ठीक है। अब इसके अंदर जो टर्मिनोलॉजी यूज होती है कि कौन सी जगह को क्या कहा जाता है, तो सबसे पहले बात करें तो ये वाला पोर्शन जो है इसे कहते हैं पेडंकल। क्या कहते हैं? पेडंकल, ठीक है। ये जो सेंट्रल एक्सिस है इस एक्सिस को कहते हैं रैकिस, इस एक्सिस को रैकिस कहते हैं और ये जहां पर फ्लावर जुड़ा हुआ है डायरेक्टली इसे कहते हैं पेडिसेल। इसे क्या कहते हैं? पेडिसेल कहते हैं। तो ये तीन टर्म्स हैं और इन तीनों टर्म्स पर क्वेश्चन पूछे गए हैं। सो इन्फ्लोरेसेंस को जो होल्ड करने वाला स्टॉक है उसे क्या कहते हैं? पेडंकल कहते हैं। तो स्टेम होल्डिंग द होल इन्फ्लोरेसेंस, द स्टेम होल्डिंग द होल इन्फ्लोरेसेंस, होल इन्फ्लोरेसेंस, जो कंप्लीट इन्फ्लोरेसेंस को होल्ड किए हुए, जैसे ये वाला इतना पोर्शन जो है ये इस इन्फ्लोरेसेंस को होल्ड किए हुए है कि नहीं है? दिख रहा है ना भाई, ये वाला पोर्शन जो है ये इस इन्फ्लोरेसेंस को होल्ड किए हुए, तो इसको क्या कहते हैं हम? इसे पेडंकल कहते हैं। ठीक इसी के लिए दूसरा स्टेटमेंट जो है, ठीक इसी के लिए दूसरा स्टेटमेंट जो है वो ये कहता है कि प्राइमरी स्टॉक विच सपोर्ट द इन्फ्लोरेसेंस, प्राइमरी स्टॉक विच सपोर्ट द इन्फ्लोरेसेंस, वो स्टॉक, वो प्राइमरी स्टॉक जो इन्फ्लोरेसेंस को सपोर्ट कर रहा है उसे पेडंकल कहते हैं। तो डायरेक्ट यहां से दो क्वेश्चन बनते हैं, दो स्टेटमेंट जो है वो इंपॉर्टेंट है। पेडंकल के लिए कौन कौन सा स्टेटमेंट है कि वो स्टेम जो इन्फ्लोरेसेंस को होल्ड करके रखे हुए है, या फिर वो प्राइमरी स्टॉक जो इन्फ्लोरेसेंस को सपोर्ट कर रहा है उसे पेडंकल कहते हैं। रेकिस क्या है? सेंट्रल एक्सिस ऑफ इलोंगेटेड इन्फ्लोरेसेंस, सेंट्रल एक्सिस ऑफ इलोंगेटेड इन्फ्लोरेसेंस। इलोंगेटेड इन्फ्लोरेसेंस का जो सेंट्रल एक्सिस है उसे हम क्या बोलते हैं? उसे कहते हैं रेकिस। तो बिल्कुल भाई इसका इलोंगेटेड पार्ट जो है आगे, जो सेंट्रल एक्सिस है बिल्कुल इन्फ्लोरेसेंस के बीच में, पुष्प कर्म के बीच में जो केंद्रीय अक्ष है उसे क्या कहते हैं? उसे रैकिस कहते हैं। और पेडिसेल किसको कहेंगे? पेडिसेल जो डायरेक्टली फ्लावर को होल्ड किए हुए, भाई जो डायरेक्टली स्टॉक ऑफ
ईच सिंगल फ्लावर, स्टॉक ऑफ ईच सिंगल फ्लावर, स्टॉक ऑफ ईच सिंगल फ्लावर, एक सिंगल फ्लावर का जो स्टॉक है उसे पेडिसेल कहा जाता है। तो ये तीनों के तीनों स्टेटमेंट जो है ये इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। पेडंकल के लिए क्या, वो स्टेम या वो अक्ष जो कंप्लीट इन्फ्लोरेसेंस को, पूरे पुष्प कर्म को संभाले हुए हैं, या फिर वो प्राथमिक तंतु जो पुष्प कर्म को सहारा दे रहा है, तो ये हो गया पेडंकल। फिर वो केंद्रीय अक्ष या सेंट्रल एक्सिस, जो सेंट्रल एक्सिस ऑफ एलोंगेटेड इन्फ्लोरेसेंस, पुष्प कर्म का दीर्घीकृत केंद्रीय अक्ष, उसे क्या कहते हैं, रेकिस कहते हैं। और स्टॉक ऑफ ईच सिंगल फ्लावर, हर एक अकेले पुष्प का तंतु जो होता है उसे पेडिसेल कहते हैं। क्लियर हुआ यहां तक? इसमें कोई दिक्कत तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ते हैं अपन। ये टर्मिनोलॉजी इंपॉर्टेंट है बच्चों। फिर कुछ टर्म्स और हैं। क्वेश्चन जो है इन्फ्लोरेसेंस तक के अपन डिस्कस कर चुके हैं। मैं आपको ऑलरेडी क्वेश्चन की जो वीडियो है, सॉल्यूशन वीडियो, वो मैं अपलोड कर चुका हूं, प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, आप जाके देख सकते हैं। आपको क्वेश्चन बैंक चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉन्टेक्ट नंबर मेरे चैनल के अबाउट में दिए हुए हैं। देन उसके बाद में एक टर्म आती है स्कैप, स्कैप, ठीक है। आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होगे तो आपको मिल जाएगा स्कैप। तो स्कैप क्या होता है? स्कैप बच्चों लीफलेस स्टॉक होता है। लीफलेस स्टॉक जो होता है उसे क्या कहते हैं? स्कैप कहा जाता है, ठीक है। लीफलेस, लीफलेस पर्ण रहित, अराइज फ्रॉम ग्राउंड लेवल, लीफलेस स्टॉक arise from ground level, ठीक है। किस में देखने को मिलता है? देखिए जैसे कि ये हो गया इस तरह का, ये ground level है और इसके ऊपर यूं flower बनेगा, इसके ऊपर यूं flower बनेगा। तो ऐसे किस में देखने को मिलते हैं? onion के अंदर देखने को मिलते हैं। किसमें देखने को मिलते हैं? ऑनियन या प्याज में देखने को मिलते हैं। अब देखिए यहां पर कोई लीव्स दिखाई दे रही है आपको? लेटरली किसी भी तरह की नहीं है ना। तो ऐसा स्टॉक जो लीफलेस है और ग्राउंड लेवल से ओरिजिनेट हो रहा है, ग्राउंड लेवल से अराइज हो रहा है, उत्पन्न हो रहा है, उसे स्कैप कहा जाता है, उसे स्कैप कहते हैं। तो आप अगर ऑनियन, प्याज का जो पौधा होता है, उसे आप अगर देखोगे, उखाड़ने की जरूरत ही नहीं है भाई। ऑनियन क्या है? बल्ब है, अंडरग्राउंड स्टेम है ऑनियन। तो ऊपर जो है उसके ऊपर का जो स्टॉक है जो लीफलेस है, ऊपर का जो स्टॉक है जो लीफलेस है और उसके ऊपर एकदम टिप पॉइंट पे फ्लावर बनता है, तो इसे क्या कहते हैं? इसे स्कैप कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? स्कैप कहा जाता है। क्लियर? फिर इन्फ्लोरेसेंस, इन्फ्लोरेसेंस के बारे में अपन ने क्या पढ़ा था? इन्फ्लोरेसेंस क्या होता है? फ्लोरल एक्सिस पर फ्लावर का अरेंजमेंट इन्फ्लोरेसेंस कहलाता है। ध्यान से सुनना, पुष्पीय अक्ष पर पुष्पों का व्यवस्था क्रम जो होता है, ठीक है ना, उसे इन्फ्लोरेसेंस या पुष्प क्रम कहते हैं। तो यह भी आप जानते हो कि फ्लावर जो होते हैं वो आगे चलकर फ्रूट प्रोड्यूस करते हैं भी। फ्लावर का फीमेल पार्ट जो होता है वो आगे चलकर फ्रूट बनाता है। तो जब फ्लावर के अरेंजमेंट को, जब फ्लावर के अरेंजमेंट को अपन इन्फ्लोरेसेंस कहते हैं, तो फ्लावर फ्रूट में कन्वर्ट होगा, तो फ्रूट्स का अरेंजमेंट जो होगा वो क्या कहलाएगा? फ्रूट्स का अरेंजमेंट कहलाएगा इनफ्रक्टिसेंस, इनफ्रक्टिसेंस। तो आप यूं भी कह सकते हो कि फ्रूटिंग स्टेज ऑफ इनफ्लोरेसेंस, फ्रूटिंग स्टेज ऑफ इनफ्लोरेसेंस कॉल्ड इनफ्रक्टिसेंस, ठीक है। फ्रूटिंग स्टेज ऑफ इनफ्लोरेसेंस, फ्रूटिंग स्टेज ऑफ इनफ्लोरेसेंस कॉल्ड इनफ्रक्टिसेंस, इनफ्रक्टिसेंस। ध्यान रखिएगा, फ्रूटिंग स्टेज जो होती है, फ्रूटिंग स्टेज जो होती है इनफ्लोरेसेंस की, उसे इनफ्रक्टिसेंस कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है?
उसे इनफ्रक्टिसेंस कहा जाता है। फ्रूटिंग स्टेज ऑफ इनफ्लोरेसेंस कॉल्ड इनफ्रक्टिसेंस। इनफ्रक्टिसेंस बार बार रिपीट कर रहा हूं मैं, ठीक है। तो कंडीशन क्या है, जब फ्लावर जो होते हैं वो फ्रूट में कन्वर्ट हो जाते हैं, तो मेंशन कर सकते हो व्हेन फ्लावर कन्वर्टेड इनटू फ्रूट, व्हेन फ्लावर कन्वर्टेड इनटू फ्रूट, जब पुष्प जो हैं वो फल में परिवर्तित होते हैं, ये स्टेज क्या कहलाती है, इनफ्रक्टिसेंस कहलाती है, इनफ्रक्टिसेंस। क्लियर। देन एक टर्म आती है ब्रैकेट, या ब्रैक्ट बोलते हैं, तो लीफ एसोसिएटेड विद इनफ्लोरेसेंस, लीफ एसोसिएटेड विद इनफ्लोरेसेंस, लीफ एसोसिएटेड विद इनफ्लोरेसेंस क्या कहलाती है, ब्रैक्ट कहलाती है, ठीक है। तो ब्रैक्ट कैसा होगा दिखने में, जैसे कि ये है, ठीक है, सो समथिंग लाइक दैट, कुछ इस तरह का होगा, ठीक है। ये एक लीफ के जैसे स्ट्रक्चर होगी जिसे क्या कहते हैं, ब्रैक्ट कहा जाता है। इसे थोड़ा सा, ठीक है ना, इस तरह की एक स्ट्रक्चर आपको दिखाई देगी। ये क्या है, ये है फ्लावर, या आप यूं कह सकते हो इनफ्लोरेसेंस, ठीक है ना। तो ये वाली स्ट्रक्चर जो है, इस स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं, ब्रैक्ट कहते हैं। तो जिन फ्लावर के अंदर, जिन फ्लावर में ब्रैक्ट प्रेजेंट होता है, या जिस इनफ्लोरेसेंस में ब्रैक्ट प्रेजेंट होता है, उसे ब्रैक्टिएट इनफ्लोरेसेंस कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ब्रैक्टिएट इनफ्लोरेसेंस, उसे ब्रैक्टिएट इनफ्लोरेसेंस कहा जाता है। और जिसमें ब्रैकेट एब्सेंट होता है, जिसमें ब्रैकेट एब्सेंट होता है, उसे इम्ब्रैक्टिएट कहा जाता है, ई ब्रैक्टिएट इनफ्लोरेसेंस। तो ई ब्रैक्टिएट इनफ्लोरेसेंस को रिप्रेजेंट करते हैं ईबीआर से, और ब्रैक्टिएट इनफ्लोरेसेंस को रिप्रेजेंट करते हैं बीआर से। ये रिप्रेजेंटेशन है आपके, जब अपन फैमिली पढ़ेंगे, जब अपन फ्लावरिंग प्लांट की फैमिली पढ़ेंगे, तब ये काम आएंगे। तो ध्यान रखिएगा, जो लीफ इनफ्लोरेसेंस से एसोसिएटेड होती है उसे ब्रैक्ट कहते हैं, और जहां ब्रैक्ट प्रेजेंट है इस तरह का इनफ्लोरेसेंस क्या कहलाता है, ब्रैक्टिएट इनफ्लोरेसेंस कहलाता है, और जहां ब्रैक्ट एब्सेंट है वहां ई ब्रैक्टिएट इनफ्लोरेसेंस होता है, उसे क्या कहते हैं, ई ब्रैक्टिएट इनफ्लोरेसेंस कहा जाता है। क्लियर। तो स्कैप किसको कहते हैं, जो लीफलेस स्टॉक होता है उसे स्कैप कहा जाता है, और इनफ्लोरेसेंस की फ्रूटिंग स्टेज जो होती है उसे इनफ्रक्टिसेंस कहते हैं, ठीक है। और जब लीफ एसोसिएट होती है, लीफ लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है, ब्रैकेट, उसे ब्रैक्ट कहा जाता है, और जिस इनफ्लोरेसेंस में ब्रैक्ट होता है उसे ब्रैक्टिएट इनफ्लोरेसेंस कहते हैं, और जहां ब्रैक्ट नहीं होता उसे ई ब्रैक्टिएट इनफ्लोरेसेंस कहते हैं। इज इट क्लियर, फटाक से स्क्रीनशॉट लीजिए, फटाक से स्क्रीनशॉट लीजिए बच्चों इसका। अब बात आती है कि ब्रैक्ट के फंक्शन क्या है। तो ब्रैक्ट जो होता है वो यंग फ्लावर को प्रोटेक्ट करता है और पोलिनेटर को अट्रैक्ट करता है। यंग फ्लावर को प्रोटेक्ट करता है, ब्रैक्ट के फंक्शन बता रहा हूं, नोट कर लीजिएगा, ब्रैक्ट के फंक्शन क्या है, यंग फ्लावर को प्रोटेक्ट करता है, यानी जो नया विकसित हो रहा पुष्प होता है उसे सुरक्षा प्रदान करता है, तथा पोलिनेटर को अट्रैक्ट करता है, जो परागण करता होते हैं उन्हें अपनी तरफ आकर्षित करने का काम करता है। तो दो मेजर फंक्शन, अट्रैक्ट पोलिनेटर एंड प्रोटेक्ट यंग फ्लावर, मेंशन कर लेना ये चीज। सो क्लियर है यहां तक, चलिए आगे देखते हैं। अब बात आती है कि कुछ टर्म जो है, जिस तरह से अपन ने क्या पढ़ा है, अपन ने दो तरह के इन्फ्लोरेसेंस पढ़े हैं। कौन कौन से इन्फ्लोरेसेंस पढ़े हैं अपन ने,
अपन ने एक तो देखा है रेसेमोज, ठीक है, एक तो अपन ने रेसेमोज इनफ्लोरेसेंस देखा है, हिंदी में बोलते हैं इसे असिमाक्षी, और दूसरा देखा है साइमोज, जिसे कहते हैं सिमाक्षी, सिमाक्षी। तो साइमोज एंड रेसेमोज। अब रेसेमोज जो होता है इसमें अपन ने देखा है कि कॉन्टिन्यूस ग्रोथ होती है, इसमें क्या होती है कॉन्टिन्यूस ग्रोथ होती है। यहां पर जो मेन एक्सिस है वो टर्मिनेट नहीं होता, फ्लावर के अंदर टर्मिनेट नहीं होता, ठीक है। जबकि साइमोज में अपन ने क्या देखा है, साइमोज इनफ्लोरेसेंस जो होता है उसका टर्मिनल एक्सिस फ्लावर में टर्मिनेट हो जाता है, यानी यहां पर लिमिटेड ग्रोथ होती है। ये एक्रोपेटल मैनर में होते हैं, ये एक्रोपेटल मैनर के अंदर होते हैं। एक्रोपेटल मैनर का मतलब, एक्रोपेटल मैनर का मतलब ये होता है कि नया वाला जो है वो ऊपर डेवलप होगा और पुराने वाला नीचे रहेगा, और ये बेसिपेटल मैनर में होता है, यहां पुराने वाला ऊपर होगा नए वाला फ्लावर नीचे डेवलप होगा। तो नीचे डेवलप हो रहा है, ये देखिए इससे नीचे डेवलप हुआ, इधर देखोगे तो इससे नीचे डेवलप हुआ, फिर आगे नया फ्लावर बनेगा, यहां डेवलप होगा, यहां डेवलप होगा, इधर देखेंगे तो यहां डेवलप होगा, इधर देखेंगे तो यहां डेवलप होगा। यही डायग्राम एनसीईआरटी में दिया हुआ है। तो ये लिमिटेड ग्रोथ है, ये बेसिपेटल मैनर में फ्लावर अरेंज होते हैं। ये क्या है, ये एक तरह से आप यूं कह सकते हो कॉन्टिन्यूस ग्रोथ है, और यहां फ्लावर का अरेंजमेंट जो होता है वो कैसा होता है, एक्रोपेटल मैनर के अंदर देखने को मिलता है। किस मैनर में, एक्रोपेटल मैनर के अंदर देखने को मिलता है। तो जो रेसेमोज टाइप का इन्फ्लोरेसेंस होता है इसे इनडिटर्मिनेट इन्फ्लोरेसेंस भी कहा जाता है। इसे क्या कहते हैं, इनडिटर्मिनेट, इनडिटर्मिनेट इन्फ्लोरेसेंस कहा जाता है, ठीक है। या फिर इसके लिए टर्म यूज की जाती है मोनोपोडियल ग्रोथ, मोनोपोडियल ग्रोथ, मोनोपोडियल ग्रोथ। ये टर्मिनोलॉजी आपके काम आएगी। इनडिटर्मिनेट, इसके अलावा इनडिटर्मिनेट के लिए एक टर्म और यूज की जाती है इनडेफिनेट, इनडेफिनेट, और कभी 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 इसे क्या कहा जाता है, ओपन इनफ्लोरेसेंस भी कहा जाता है, समटाइम कॉल्ड ओपन इनफ्लोरेसेंस, ओपन इनफ्लोरेसेंस। तो कभी कभी इसे ओपन इनफ्लोरेसेंस भी कहा जाता है, क्लियर। अब डिटर्मिनेट यानी साइमोज, तो वहां पर डिटर्मिनेट है, ये इनफ्लोरेसेंस कैसा है, ये है डिटर्मिनेट, ये डिटर्मिनेट इनफ्लोरेसेंस है। यहां ग्रोथ जो है वो कैसी है, सिंपोडियल है, यहां ग्रोथ सिंपोडियल है। ये कैसा है, डेफिनेट है, ये कैसा है, ये डेफिनेट है, और समटाइम इट इज कॉल्ड क्लोज्ड इनफ्लोरेसेंस, क्लोज्ड इनफ्लोरेसेंस, क्लियर। ये टर्म्स आपको पता होनी चाहिए, ये सारी की सारी टर्म्स आपको अच्छे से पता होनी चाहिए कि इनडिटर्मिनेट इन्फ्लोरेसेंस किसे कहते हैं, डिटर्मिनेट इन्फ्लोरेसेंस किसे कहते हैं। तो इनडिटर्मिनेट किसको कहते हैं, रेसेमोज टाइप को इनडिटर्मिनेट कहते हैं, डिटर्मिनेट साइमोज टाइप को कहते हैं, मोनोपोडियल रेसेमोज को, सिंपोडियल साइमोज को, इनडेफिनेट रेसेमोज को और डेफिनेट साइमोज को। ओपन इनफ्लोरेसेंस होता है रेसेमोज और क्लोज्ड इनफ्लोरेसेंस होता है साइमोज। क्लियर बच्चों, या कोई दिक्कत है यहां इसमें? तो ये दोनों चीजें अपन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इसके अंदर कॉन्टिन्यूस ग्रोथ होती है, फ्लावर एक्रोपेटल मैनर में होते हैं, और इसके अंदर लिमिटेड ग्रोथ होती है, फ्लावर बेसिपेटल मैनर में होते हैं। एक एक वर्ड जो मैं बोल रहा हूं ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा, क्लियर। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे देखते हैं अपन टाइप्स ऑफ रेसेमोज इनफ्लोरेसेंस।
कि रेसेमोज इनफ्लोरेसेंस जो है उसके टाइप क्या क्या है। तो बच्चों रेसेमोज इनफ्लोरेसेंस के टाइप जो है उनको अलग अलग कैटेगरीज में अपन ने बांटा है, और सारी चीजें जो है जितने एग्जाम्पल गाइड के अंदर डायरेक्टली चीजें नहीं दी हुई है, जो भी आप रेफरेंस बुक यूज करते हो उसके अंदर चीजें आगे पीछे और बहुत उलझी हुई मिलेंगी आपको, तो उन सभी चीजों को एक साथ कंबाइन करके तैयार किया है। तो देखिए रेसेमोज जो इन्फ्लोरेसेंस होता है इसके टाइप कौन कौन से हैं। टाइप्स, तो टाइप सबसे पहले टाइप वन कैटेगरी ए जो है उसमें कौन कौन से आते हैं। इस ए कैटेगरी का बेसिस जो है वो कौन सा है, मेन एक्सिस यहां पर एलोंगेटेड देखने को मिलेगा आपको, ठीक है। मेन एक्सिस जो होगा वो एलोंगेटेड देखने को मिलेगा, मेन एक्सिस मुख्य अक्ष एलोंगेटेड। तो ऐसा इनफ्लोरेसेंस जिसमें मेन अक्ष एलोंगेटेड होता है वो कौन कौन से होते हैं। रेसेमोज के टाइप की बात कर रहे हैं अपन, तो रेसेम, सिंपल रेसेम, ठीक है, दूसरा है स्पाइक, तीसरा है कैटकिन, चौथा है स्पैडिक्स। ये चार इस तरह के रेसेम इनफ्लोरेसेंस के टाइप हैं जिनका मेन एक्सिस एलोंगेटेड होता है। ये चार इस तरह के रेसेमोज इनफ्लोरेसेंस के टाइप हैं जिनका मेन एक्सिस एलोंगेटेड होता है, क्लियर। फिर दूसरी कैटेगरी, में अपन ने रखा है मेन एक्सिस शॉर्ट, यहां आते हैं कॉरिम्ब एंड अम्बेल, जिनका मेन एक्सिस जो होता है वो छोटा होता है। फिर सी कैटेगरी जिसमें मेन एक्सिस फ्लैट होता है, फ्लैटन, ये क्या होता है, ये हेड या कैपिटलम टाइप का होता है, ठीक है, ये कैसा होता है, हेड या कैपिटलम टाइप का होता है, जहां मेन एक्सिस फ्लैट होता है, हिंदी में बोलते हैं चपटा। तो तीन तरह के हैं, एक के अंदर एलोंगेटेड है जिसमें सिंपल रेसेम, स्पाइक, कैटकिन और स्पैडिक्स है, दूसरा जिसमें मेन एक्सिस जो है वो शॉर्ट है, उसमें कॉरिम्ब अम्बेल दो तरह के हैं। इसमें भी डिप्रेस्ड एक्सिस वाला भी मेंशन किया जाता है, बट बात वही है कि शॉर्ट है। फिर मेन एक्सिस जिसका फ्लेट है उसे हेड या कैपिटलम कहा जाता है। स्पाइक पर एम्स 2007 में सवाल आया हुआ है, स्टेटमेंट पूछा गया है, ठीक है। कैपिटलम पर भी बहुत बार अलग अलग कॉम्पिटिशन एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आए हुए हैं, बहुत बार। तो ये दो मोस्ट इंपोर्टेंट टाइप है रेसेमोज के, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, स्पाइक हो गया और कैपिटलम हो गया, ये दो इंपोर्टेंट है। देन अब अपन वन बाय वन स्टेटमेंट के साथ चीजों को डिस्कस करते हैं, वन बाय वन। सबसे पहले अपन बात करेंगे सिंपल रेसेम की, चलिए बच्चों, तो सिंपल रेसेम जो होता है वो क्या होता है। रेसेमोज के टाइप देख रहे हैं अपन, किसके टाइप देख रहे हैं, रेसेमोज के। रेसेमोज में सबसे पहले है सिंपल रेसेम, सिंपल रेसेम कैसा होता है, वो इस तरह का सेम, ये हो गया,
इस तरह का इन्फ्लोरेसेंस जो होगा इसे क्या कहेंगे, सिंपल रेसेम कहेंगे, इसे सिंपल रेसेम कहेंगे। तो सिंपल रेसेम किसके अंदर देखने को मिलेगा आपको, सिंपल रेसेम जो है वो किसमें देखने को मिलेगा, देखिए मस्टर्ड हो गया, क्रोटोलेरिया हो गया, ठीक है, लार्क्सपर हो गया, इनमें देखने को मिलेगा। मस्टर्ड, क्रोटोलेरिया, लार्क्सपर, ये तीनों के तीनों एग्जांपल एनसीईआरटी के अंदर हैं। ये तीनों के तीनों एग्जांपल जो हैं वो एनसीईआरटी में दिए हुए हैं। इसके अलावा अगर मैं एडिशनल एग्जांपल बताऊं तो रेडिश हो गया, गुलमोहर हो गया, रेडिश भी एनसीईआरटी में दिया हुआ है। जो आपकी प्रैक्टिकल मैनुअल है उसमें अगर आप देखोगे तो ये सब एग्जांपल मेंशन है, ठीक है ना। फिर क्या होता है, कुछ प्लांट के अंदर, सम प्लांट प्रोड्यूस रेसेम ऑफ रेसेम, सम प्लांट प्रोड्यूस रेसेम ऑफ रेसेम, रेसेम ऑफ रेसेम, रेसेम ऑफ रेसेम का मतलब क्या हुआ, ब्रांचिंग हो जाएगी, ये है जिसे, तो ये ब्रांच बनी, इस पर रेसेम टाइप के फ्लावर बनेंगे, उसी अरेंजमेंट के अंदर, ठीक है। आगे ये ब्रांच बनी, इसके अंदर, इस मैनर के अंदर फ्लावर बनेंगे, ठीक है। ये ब्रांच बनी इसमें, तो ये क्या होता है, ये एक तरह का कंपाउंड रेसेम है। ये किस तरह का है, ये कंपाउंड रेसेम है, ध्यान से समझ लेना, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये क्या है, ये होता है कंपाउंड रेसेम, और इसे क्या बोलते हैं, इसे पेनिकल कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है, पेनिकल या डबल रेसेम कहा जाता है, पेनिकल या डबल रेसेम, डबल रेसेम कहा जाता है। अब ये टर्म पेनिकल जो है, ये टर्म आपको किस किस के साथ में कंफ्यूज कर सकती है, पेनिकल जो है वो टर्म आपको पेडिसेल और पेडंकल के साथ कंफ्यूज कर सकती है। तो इस कंपाउंड रेसेम को, कंपाउंड रेसेम को क्या कहा जाता है, पेनिकल कहा जाता है। किसमें देखने को मिलता है, मैंगो के अंदर, किसमें देखने को मिलता है, मैंगो के अंदर, और ड्रमस्टक, ड्रमस्टक हो गया और मैंगो हो गया, उसके अंदर आपको कंपाउंड रेसेम या पेनिकल देखने को मिलेगा। इसे डबल रेसेम या रेसेम ऑफ रेसेम भी कहा जाता है, डबल रेसेम या रेसेम ऑफ रेसेम भी कहा जाता है, समझ गए। तो इंपॉर्टेंट टर्म है पेनिकल, पेनिकल जो है वो इंपॉर्टेंट टर्म है। इसके अलावा भी इसमें एक एग्जांपल और मेंशन कर सकते हो, गुलमोहर, गुलमोहर जो होता है उसमें भी आपको रेसेम टाइप का रेसेमोज इन्फ्लोरेसेंस देखने को मिलेगा। तो एक बार मैं फिर से रिपीट करूं इसको, सिंपल रेसेम, सिंपल रेसेम क्या है, रेसेमोज इन्फ्लोरेसेंस का एक टाइप है, ध्यान से सुनना, सिंपल रेसेम रेसेमोज टाइप के, रेसेमोज का एक टाइप है। फिर से बताऊं, सिंपल रेसेम जो है वो रेसेमोज टाइप के इन्फ्लोरेसेंस का टाइप है, सिंपल रेसेम रेसेमोज टाइप के इन्फ्लोरेसेंस का टाइप है, समझ गए। तो जब सिंगली यू एक्रोपेटल मैनर में अरेंज्ड है तो ये सिंपल रेसेम है, और जब इसके, इस रेसेम के अंदर एक रेसेम और बन जाए उसे कंपाउंड कहते हैं। तो इसी तरह से मैं बार बार कंपाउंड को एक्सप्लेन नहीं करूंगा, जिस तरह से रेसेम के अंदर रेसेम बना तो कंपाउंड रेसेम हो गया, इसी तरह से स्पाइक में स्पाइक बनेगा, इसी तरह से कैटकिन के अंदर कैटकिन बनेगा, या कंपाउंड कैटकिन, कंपाउंड स्पैडिक्स, कंपाउंड अंबेल, कंपाउंड कॉरिम। तो जब ब्रांचिंग हो जाए अंदर और एक ही तरह का इन्फ्लोरेसेंस की ब्रांचिंग हो जाए, जैसे समझने वाली बात है, ये क्या है, ये एक रेसेम है, ये भी एक रेसेम है, ये भी एक रेसेम है, ये भी एक रेसेम है,
इसी तरह से कॉरिम्ब के अंदर कॉरिम्ब बन गया कंपाउंड कॉरिम्ब, अम्बेल में अम्बेल बन गया कंपाउंड अम्बेल, स्पैडिक्स में स्पैडिक्स बन गया कंपाउंड स्पैडिक्स। ठीक है, क्लियर। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लो। आगे नेक्स्ट है स्पाइक, नेक्स्ट जो है वो है स्पाइक। तो स्पाइक पर ऑलरेडी क्वेश्चन आया हुआ है, हालांकि पुराने एग्जाम में है बट इंपॉर्टेंट है, लेकिन इंपॉर्टेंट है। मैं कुछ भी आपको एक्स्ट्रा नहीं करवा रहा हूं, अगर आप मुझसे पढ़ रहे हैं तो 100% ट्रस्ट रखें, कंप्लीट एश्योर्ड कंटेंट है आपके पास में। एक भी चीज स्किप नहीं की है, हालांकि मॉर्फोलॉजी से सवाल कम आते हैं बट ये इतना वास्ट, इतना मैटर है इसके अंदर पढ़ने के लिए, इसीलिए जिन चैप्टर से सवाल कम आते हैं ना वो चैप्टर ज्यादा हार्ड होते हैं। क्यों? क्योंकि सवाल कम आते हैं और पढ़ना ज्यादा पड़ता है। दूसरा है बच्चों स्पाइक, इसके अंदर दूसरा है स्पाइक। अब स्पाइक ये एम्स 2007 में पूछा गया, स्टेटमेंट आया था इस पर। चलिए, इसके अंदर फ्लावर जो होते हैं वो सेसाइल फ्लावर होते हैं। कैसे फ्लावर होते हैं? सेसाइल फ्लावर। मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं, जब मैंने आपको क्या पढ़ाया था, पेटियोल पढ़ाया था, तो वहां भी सेसाइल लीफ पढ़ाई थी, ठीक है ना। तो यहां सेसाइल फ्लावर है, मीन पेडिसेल एब्सेंट है, पेडिसेल एब्सेंट। सेसाइल फ्लावर उनको कहते हैं जिनमें पेडिसेल एब्सेंट होता है। तो पेडिसेल कौन सा था? जब मैंने लेक्चर स्टार्ट किया था तो आपको बताया था, ये नीचे वाला पेडेंकल हो जाएगा, सेंट्रल एक्सिस इनफ्लोरेसेंस का रैकिस होगा, और जहां से फ्लावर ओरिजिनेट हो रहा है वो पेडिसेल है। तो ये क्या है? ये तो पेडिसेल है, ये वाली स्ट्रक्चर जो है ये पेडिसेल है। ये कह रहा है कि स्पाइक के अंदर सेसाइल फ्लावर होते हैं, पेडिसेल नहीं होता, तो स्पाइक कैसा होगा? बिना पेडिसेल वाला होगा। तो स्पाइक आपको कैसा देखने को मिलेगा? स्पाइक इनफ्लोरेसेंस होगा इस तरह से, सीधे ही एक्स पर फ्लावर लगे होंगे, ठीक है ना, सीधे ही अक्ष पर फ्लावर लगे होंगे, इसे बोलते हैं स्पाइक इनफ्लोरेसेंस। क्या कहते हैं? स्पाइक इनफ्लोरेसेंस। एमेरेंथस, एमेरेंथस इंपॉर्टेंट एग्जांपल, वेरी 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 आईएमपी। एमेरेंथस के अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा? स्पाइक इनफ्लोरेसेंस देखने को मिलेगा। और स्पाइक इनफ्लोरेसेंस का खास फीचर यह है कि उसके अंदर सेसाइल फ्लावर पाए जाते हैं। स्पाइक इनफ्लोरेसेंस का खास फीचर है कि उसमें सेसाइल फ्लावर पाए जाते हैं, ठीक है। जो पोएसी फैमिली है उसमें स्पाइक ऑफ स्पाइकलेट्स देखने को मिलेंगे, ठीक है, पोएसी फैमिली, पोएसी फैमिली में आपको क्या देखने को मिलेंगे? स्पाइक ऑफ स्पाइकलेट्स, स्पाइकलेट्स। पोएसी फैमिली के मेंबर, पोएसी फैमिली के मेंबर जैसे कि वीट, ओट, सोरगम, ये क्या है? ये पोएसी फैमिली के मेंबर है। ग्रासेज के अंदर स्पाइकलेट जो होती है उसमें कुछ टर्म्स यूज की जाती है, ध्यान रखिएगा, हालांकि ये क्या है इसे आपको लेना देना नहीं है। ग्रासेज की स्पाइकलेट जो होती है, आपको यहां पर कुछ टर्म्स जो कंफ्यूज हो सकते हो आप ध्यान रखना, एक तो होता है रेकिला, प्लिया, लेमा, रेकिला, रेकिला, प्लिया, लेमा, ग्लूम, ये सब टर्म जो है वो किससे रिलेटेड है? वो स्पाइक इनफ्लोरेसेंस से रिलेटेड है, ठीक है ना, स्पाइक इनफ्लोरेसेंस से रिलेटेड है। रेकिला, प्लिया, लेमा और ग्लूम, ठीक है ना,
रेकिला, प्लिया, लेमा और ग्लूम ये किससे रिलेटेड है? ये सारी की सारी स्पाइक इन्फ्लोरेसेंस से रिलेटेड है, स्पाइक इन्फ्लोरेसेंस से। मैं धीरे धीरे पढ़ा रहा हूं ताकि आपको चीजें अच्छे से क्लियर हो। लेक्चर ये लेंदी रहेगा, थोड़ा लंबा जाएगा, लेकिन फिर भी आपको एक एक चीज क्लियर होनी चाहिए। समझ रहे हो? तो ग्रासेज के स्पाइकलेट में आपको क्या देखने को मिलेंगे? रेकिला देखने को मिलेगा, प्लिया देखने को मिलेगा, लेमा हो गया, ग्लूम हो गया, ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आता है कैटकिन। नेक्स्ट जो है कैटकिन। सो बच्चों, कभी कभी हमें लेक्चर बड़े मुश्किल लगते हैं, बट जरूरी है। हर चीज हमेशा फेवरेबल नहीं होती है, सो मैं समझ सकता हूं आपकी फीलिंग कि ये पढ़ते हुए आपको क्या फील आ रहा होगा, बट जब आप पूरा कर लोगे ना तो मजा आएगा। कभी इन्फ्लोरेसेंस में कंफ्यूज नहीं होगे। कोई सा भी क्वेश्चन उठा के देख लेना, इजिली क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। नेक्स्ट है कैटकिन। नेक्स्ट कैटकिन, इसका इंपॉर्टेंट फीचर जो है कि ये पेंडुलम लाइक होता है, पेंडुलस इन्फ्लोरेसेंस होता है। ठीक है ना, ये कैसा होता है? ये होता है पेंडुलम लाइक, पेंडुलस इन्फ्लोरेसेंस, पेंडुलम लाइक। तो कैटकिन इन्फ्लोरेसेंस किसमें देखने को मिलता है? मलबेरी में देखने को मिलता है, मोरस। ठीक है ना, कैटकिन इन्फ्लोरेसेंस किसमें देखने को मिलेगा? मलबेरी, सहतूत, मोरस भी कहते हैं। ठीक है, मलबेरी के अंदर आपको कैटकिन टाइप का इन्फ्लोरेसेंस देखने को मिलेगा। अब ये कह रहा है पेंडुलस, तो पेंडुलस का मतलब क्या हुआ? आप अगर मलबेरी के फ्रूट देखोगे तो किस तरह के दिखाई देंगे? कुछ इस तरह के। इस तरह के आपको फ्रूट्स दिखाई देंगे उसके। ठीक है ना, तो ये कंप्लीट इन्फ्लोरेसेंस है। तो ये स्ट्रक्चर जो होती है ये मलबेरी की होती है। आप देखना, मलबेरी के फ्रूट जो होते हैं इस तरह से एग्रीगेट होते हैं, तो क्राउडेड क्लस्टर पाया जाता है फ्लावर का, क्राउडेड क्लस्टर ऑफ फ्लावर। तो जितने फ्लावर होंगे उतने ही आगे फ्रूट बनेंगे, तो क्लस्टर के अंदर ही क्या होंगे? क्लस्टर में ही फ्रूट होंगे। तो क्लाउडर क्लस्टर ऑफ फ्लावर प्रेजेंट होता है, सो यू कैन से क्लाउडर क्लस्टर ऑफ फ्रूट्स। तो मलबेरी के अंदर आपको कैटकिन टाइप का देखने को मिलेगा। इसके अलावा एक्काइल्फा एक प्लांट होता है, एक्काइल्फा, उसमें भी यही देखने को मिलता है। एक्काइल्फा में भी आपको देखने को मिलेगा कैटकिन, बट इंपॉर्टेंट है आपके लिए मलबेरी। यहां से एग्जांपल आप मलबेरी या मोरस का ध्यान में रखोगे, मलबेरी या मोरस का। फिर नेक्स्ट इन्फ्लोरेसेंस जो है वो है स्पैडिक्स। वो कौन सा है? वो है स्पैडिक्स। स्पैडिक्स पर क्वेश्चन आया आरपीएमटी 2011 में। स्पैडिक्स पर जो क्वेश्चन पूछा गया वो आरपीएमटी 2011 में पूछा गया। तो इसे क्या कहा जाता है? इसका फ्लैशी एक्सिस होता है। इसका एक्सिस जो होता है वो कैसा होता है? फ्लैशी एक्सिस होता है। ठीक है ना, स्पैडिक्स के अंदर फ्लैशी एक्सिस देखने को मिलेगा, या आप यूं कह सकते हो इसके लिए एक स्टेटमेंट यूज होता है, स्पाइक विद फ्लैशी एक्सिस, स्पाइक विद फ्लैशी एक्सिस, उसे क्या कहा जाता है? स्पैडिक्स कहा जाता है। तो स्पैडिक्स के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं? ब्रैकेट जो होते हैं वो एनवलपिंग ब्रैकेट होते हैं, यानी घेरा बना लेते हैं ब्रैकेट। स्पेथ, स्पेथ जो है बनाना में देखने को मिलता है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। तो स्पेथ किस तरह का होता है अपन देखते हैं। स्पेथ जो है वो कुछ इस तरह की स्ट्रक्चर होती है। स्पेथ कुछ इस तरह की संरचना होती है।
ठीक है ना, जो कवर करके रखती है कंप्लीटली, किस तरह से, थोड़ा सा इसको मैं और अच्छे से बनाता हूं, इस तरह की स्ट्रक्चर देखने को मिलेगी, ठीक है। और यहां से क्या होगा, इसका एक्सिस होगा, ठीक है। इस तरह की स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगी। आप इसको बेहतर देखने के लिए गूगल कर सकते हैं, इसे बेहतर और अच्छे से देखने के लिए आप इसे गूगल पर इसके फोटोग्राफ्स देखें, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि मैं बोर्ड पे इसको कंप्लीट ड्रॉ नहीं कर सकता, बट इस तरह की स्ट्रक्चर होती है, ठीक है। एग्जैक्ट बिल्कुल ऐसे ही स्ट्रक्चर होती है इस, ये क्या होते हैं, एनवलपिंग ब्रैकेट होते हैं। ब्रैकेट जो होते हैं वो क्या कर देते हैं, एनवलप बना देते हैं, कंप्लीट एनवलप घेर लेते हैं, ठीक है। ये क्या होता है, ये घेरा किसका होता है, ब्रैकेट का घेरा होता है, ब्रैकेट का घेरा होता है, ठीक है। तो ये ब्रैकेट का घेरा जो है ये क्या कहलाता है, स्पेथ कहलाता है। तो एनवलपिंग ब्रैकेट कॉल्ड स्पेथ, एनवलपिंग ब्रैकेट क्या कहलाते हैं, स्पेथ कहलाते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट टर्म है कि एनवलपिंग ब्रैकेट जो होते हैं वो स्पेथ कहलाते हैं। और ये किस तरह के होते हैं, शोवी और कलर्ड होते हैं, चमकीले होते हैं, किसमें देखने को मिलते हैं, बनाना में। एनवलपिंग ब्रैकेट क्या कहलाते हैं, स्पेथ कहलाते हैं। और ये किसमें देखने को मिलते हैं, बनाना, केले के अंदर आपको किस तरह का देखने को मिलेगा, आपको केले में स्पैथ देखने को मिलेगा, ठीक है। केले में आपको स्पेथ देखने को मिलेगा। कंपाउंड स्पैडिक्स देखने को मिलता है बच्चों पाम में, कंपाउंड स्पैडिक्स जो होता है वो पाम में देखने को मिलता है, कंपाउंड स्पैडिक्स किसमें देखने को मिलता है, पाम में। तो ये चीज ध्यान में रखना, क्लियर। अब इसके अंदर, इसमें मैंने ज्यादा रिप्रेजेंटेशन शो नहीं किया है, यहां जो इंपॉर्टेंट चीज है बस मैं वही बता रहा हूं, इसके अलावा आपको कुछ नहीं लेना देना है, ठीक है। यहां इंपॉर्टेंट चीज जो है वो क्या है, स्पेथ। यहां इंपॉर्टेंट चीज जो है वो है स्पेथ, ठीक है। और स्पेथ किसके अंदर देखने को मिलते हैं, स्पेथ आपको बनाना के अंदर देखने को मिलेंगे। स्पेथ कैसे होते हैं, कलर्ड और शोवी होते हैं, ठीक है। टर्मिनल एक्सिस जो होता है उसे अपेंडिक्स कहा जाता है इसमें, ठीक है ना। स्पेथ के अंदर जो टर्मिनल एक्सिस देखने को मिलेगा इसे क्या कहा जाता है, अपेंडिक्स कहा जाता है, अपेंडिक्स। इसके नीचे इसे जो होगा वो मेल और फीमेल फ्लावर प्रेजेंट होंगे, देन टर्मिनल एक्सिस को अपेंडिक्स कहते हैं। अपेंडिक्स और स्पेथ दोनों पोलिनेशन के लिए इंसेक्ट को अट्रैक्ट करने का काम करते हैं, दोनों पोलिनेशन के लिए इंसेक्ट को अट्रैक्ट करने का काम करते हैं, स्पेथ हो रहे अपेंडिक्स। इसके अंदर जैसे ही आप सर्च करोगे ना स्पेथ इन बनाना, या फिर स्पेथ वो बॉटनी में, कुछ भी टर्म सर्च करोगे मिल जाएगा आपको, वहां आपको क्लियरली डायग्राम के अंदर वो दिखा देगा कि कौन सा अपेंडिक्स है, कौन सा स्पेथ है, किस तरह से ये घेरा बनता है। क्योंकि जब आप कलर डायग्राम देखते हो तो बहुत अच्छे से समझ में आ जाते हैं, चीजें क्लियर बहुत अच्छे से हो जाती हैं, ठीक है। तो आई होप क्लियर है ये चीजें। यहां से स्क्रीनशॉट लीजिए बच्चों। तो हमने देखा कि elongated axis वाले जो होते हैं, elongated axis वाले जो होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, एक तो सिंपल रेसम होता है, स्पाइक होता है, कैटकिन होता है, ठीक है, और स्पैडिक्स टाइप का होता है। स्पैडिक्स के अंदर एनवलपिंग ब्रैक्ट घेरा बनाते हुए जो ब्रैक्ट होते हैं उन्हें स्पेथ कहते हैं। टर्मिनल एक्सिस जो होता है उसे अपेंडिक्स कहा जाता है। स्पेथ किसमें देखने को मिलेंगे आपको, बनाना के अंदर आपको स्पेथ देखने को मिलेंगे। इसके अलावा एरम फैमिली जो होती है उसका कैरेक्टरिस्टिक होता है, सिंपल स्पैडिक्स जो है, सिंपल स्पैडिक्स जो है वो एरम फैमिली का कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है। कौन सी फैमिली का, एरम फैमिली का।
एरम फैमिली का कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है। इसके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं? कोलोकेशिया, मेज, कोकोनट, ठीक है, कोलोकेशिया, मेज, कोकोनट। किसके? सिंपल स्पैडिक्स की बात कर रहा हूं मैं, सिंपल स्पैडिक्स के कोलोकेशिया, मेज एंड कोकोनट, इनके अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा? सिंपल स्पैडिक्स देखने को मिलेगा। और सिंपल स्पैडिक्स एरम फैमिली का, एरम फैमिली का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, एरम फैमिली का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। कंपाउंड स्पैडिक्स पाम में देखने को मिलेगा। बनाना के लिए टिपिकली अगर देखा जाए तो बनाना में मिक्स्ड स्पैडिक्स होता है, ठीक है। अब यहां से थोड़ा जो कंफ्यूजन है उसको दूर कर देता हूं मैं। कैटकिन कैसा है? पेंडुलम लाइक या पेंडुलस इनफ्लोरेसेंस है। किस तरह का? रेसेमोज का ही टाइप है, जहां क्या बनता है? क्राउडेड क्लस्टर ऑफ फ्लावर। तो फ्लावर ही फ्रूट में बनेंगे तो फ्रूट्स का भी क्या होता है? क्लस्टर होता है। मलबेरी या मोरस इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। इसके अलावा एकेल्फा, एकाइल्फा जो होता है उसमें भी कैटकिन देखने को मिलता है। फिर स्पैडिक्स आरपीएमटी में पूछा गया, फ्लैशी एक्सिस वाला होता है, एरम फैमिली का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। एग्जाम्पल स्पैडिक्स के कोलोकेशिया, मेज, कोकोनट। कंपाउंड स्पैडिक्स देखने को मिलेगा पाम में, और बनाना में स्पेथ देखने को मिलते हैं, एज वेल एज बनाना के अंदर मिक्स्ड स्पैडिक्स होता है। एज वेल एज बनाना में क्या होता है? मिक्स्ड स्पैडिक्स होता है। क्लियर? देन इसी के साथ बच्चों इलोंगेटेड वाले, इलोंगेटेड वाले, इलोंगेटेड एक्सिस वाले इनफ्लोरेसेंस जो है, रेसेमोज टाइप के इलोंगेटेड एक्सिस वाले टाइप खत्म होते हैं। समझ लो, थोड़ा मुश्किल लग रहा है, आई थिंक लग रहा है, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये चीजें है ही ऐसी, टिपिकल बॉटनी, एकदम प्रॉपर प्योर बॉटनी है। सो शांति से धैर्य के साथ में पढ़े। एक बार में अगर चीजों को क्लियर नहीं कर पा रहे हो तो दूसरी बार रिवाइंड करें फिर से, ठीक है ना। फिर भी अगर कोई दिक्कत आ रही हो तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, मैं आपको वॉइस मैसेज भेज दूंगा, ठीक है, आपको रिप्लाई कर दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपको बेहतर तरीके से हर चीज को क्लियर करूं, बट कैमरा को पढ़ाना थोड़ा वैसे भी मुश्किल होता है कि आपको सब कुछ कैमरा को ही एक्सप्लेन करना है। अब डाउट भी तो नहीं पूछ सकता ना कैमरा कि इसको दोबारा बताओ, इसलिए मैं धीरे धीरे पढ़ा रहा हूं और कोशिश कर रहा हूं कि आपको सारी चीजें अच्छे से समझ में आए। सो अगर कोई भी कहीं भी आपको डाउट है तो आप बिना किसी हिचकिचाहट के आप कमेंट बॉक्स में लिखें, आप मुझे मैसेज दे कर दें, मैसेज डाल दें व्हाट्सएप पे, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। ओके, देन आगे है शॉर्टेंड एक्सिस वाले। सो बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन इनके साथ साथ कर लेना, जितने भी आपके पास, जो भी आप स्टडी मटेरियल सॉल्व कर रहे हो, जो भी आपके पास रेफरेंस बुक है, इसके क्वेश्चन यही सॉल्व करना जो आपको मैंने करवाए हैं, जो मैंने आपको करवाए हैं वही क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। इसके अलावा इससे भी अगर बाहर से क्वेश्चन है भाई, जो मैं आपको बोर्ड पे पढ़ा रहा हूं, अगर इन एग्जाम्पल से भी और एक्स्ट्रा एग्जाम्पल या और एक्स्ट्रा पूछा गया है, वो एग्जाम में नहीं आएगा, मैं 100% एश्योरिटी के साथ कहता हूं, ठीक है, वो एग्जाम में नहीं आने वाला है। आपके एग्जाम में आने वाले पॉइंट सारे के सारे मैं बता रहा हूं। तो अगर इससे भी एडिशनल कोई क्वेश्चन मिल जाए, मिल जाएगा, क्यों नहीं मिलेगा, बिल्कुल मिल जाएगा, क्योंकि बहुत वास्ट सिलेबस है ये, बहुत बड़ा लंबा चौड़ा टॉपिक है, तो सवाल आपको मिल जाएंगे, बट सारे सवाल नहीं करने हैं। कुछ सवाल ऐसे हैं जो पुराने मैटर के हैं, उनको छोड़ना है, सारे के सारे नहीं करने हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट आगे देखते हैं अपन शॉर्टेंड एक्सिस वाले। तो ऐसे रेसेमोज के टाइप जिनका एक्सिस जो होता है मेन एक्सिस शॉर्ट होता है, तो मेन एक्सिस जिनका शॉर्ट होता है वो कौन कौन से हैं? कॉरिम्ब, कौन सा है? कॉरिम्ब। तो कॉरिम्ब किस तरह का होता है?
शॉर्ट एक्सिस है सबसे पहली बात। तो इसके अंदर क्या होते हैं, कॉरिम के अंदर जो लोअर फ्लावर होते हैं उनके पेडिसेल लंबे होते हैं, अपर के जो पेडिसेल होते हैं वो छोटे होते हैं, सेम लेवल पर आ जाते हैं। तो समथिंग इस तरह से, ठीक है ना। धीरे धीरे जैसे जैसे ऊपर आते जाएंगे पेडिसेल जो है वो छोटे होते जाएंगे। हो रहे हैं ना धीरे धीरे पेडिसेल छोटे। इस तरह का जो इन्फ्लोरेसेंस होता है, इस तरह का जो इन्फ्लोरेसेंस होता है, इस इन्फ्लोरेसेंस को कॉरिम्ब इन्फ्लोरेसेंस कहते हैं। ठीक है, तो लोअर फ्लावर पेडिसेल जो होंगे वो लॉन्गर होंगे। अब देखिए ये लोअर फ्लावर है, इसका पेडिसेल देखो कितना लंबा है कि नहीं है। ये अपर फ्लावर है, इसका पेडिसेल देखो बिल्कुल छोटा सा है। तो लोअर फ्लावर लॉन्गर पेडिसेल, ठीक है, और अपर फ्लावर शॉर्ट पेडिसेल। अपर फ्लावर के पेडिसेल जो होते हैं वो शॉर्ट होते हैं। क्लियर। अब लगभग सेम, ऑल फ्लावर आर All flowers are more or less, ठीक है, more or less on the same level, ठीक है। सभी के सभी फ्लावर जो होते हैं वो नियरली लगभग क्या होते हैं, सेम लेवल पर ही होते हैं। तो लोअर फ्लावर का पेडिसेल लंबा होता है, अपर फ्लावर का पेडिसेल छोटा होता है, बाकी सभी फ्लावर जो होंगे, सभी पुष्प जो होंगे वो सेम लेवल पर ही देखने को मिलेंगे, सेम लेवल पर ही देखने को मिलेंगे। फिर कॉरिम्ब किसमें पाया जाता है, चेरी हो गई और कैप्सेला हो गया, चेरी एंड कैप्सेला। इंपॉर्टेंट बच्चों, कैप्सेला, बहुत सारे सवाल आते हैं। कैंडी टफ्ट में कंपाउंड कॉरिम्ब देखने को मिलेगा, किसमें, कैंडी टफ्ट में आपको कंपाउंड कॉरिम्ब देखने को मिलेगा, कंपाउंड कॉरिम्ब कैंडी टफ्ट में देखने को मिलेगा। मतलब इस तरह से फ्लावर के गुच्छे होंगे, इसी तरह से कंपाउंड कैरिम्ब कॉरिम्ब। क्लियर। तो कैंडी टफ्ट के अंदर आपको कंपाउंड कॉरिम्ब देखने को मिलेगा। आई होप ये अच्छे से क्लियर है। देन इसके बाद है अम्बेल, तो वो भी शॉर्ट एक्सिस वाला होता है। तो अम्बेल के अंदर और कॉरिम्ब में फर्क क्या है, अम्बेल के अंदर और कॉरिम्ब में क्या फर्क है वो डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट है अम्बेल। गलती क्यों हो रही है, अम्बेल, अरे यार मतलब हद ही हो गई, अम्बेल मार्कर चेंज करते हैं। यस, ठीक है। कभी कभी क्या होता है कि फ्लो में लिख रहे होते हैं ना, तो आगे पीछे हो जाती है चीजें। तो अम्बेल के अंदर किस तरह का देखने को मिलेगा, देखिए अम्बेल के अंदर सेम लेवल पर देखने को मिलेंगे आपको यू, ठीक है। तो ये हो गया इस तरह से, इस तरह का जो इन्फ्लोरेसेंस होगा उसे क्या कहते हैं, अम्बेल इन्फ्लोरेसेंस कहा जाता है। और कंपाउंड अम्बेल के अंदर इसकी ब्रांचेज हो जाएगी, कंपाउंड अम्बेल के अंदर क्या होगा,
ब्रांचेज हो जाएगी। इसी तरह से इसकी और ब्रांचेज निकलेंगी, जैसे कि ये होगी, अब इससे इसके ऊपर यू बनने लगेंगे। ये क्या है? ये है कंपाउंड अम्बेल। तो कंपाउंड रेसेम भी बताया था, ठीक वैसे ही सारे के सारे जहां भी कंपाउंड वर्ड आ रहा है वहां सब इसी तरह से होंगे। आप इनको गूगल करके देखोगे तो ये वाकई बहुत खूबसूरत दिखते हैं। ये क्या है? ये कंपाउंड अम्बेल है। तो ध्यान रखिएगा, ये अम्बेलीफेरी फैमिली का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। अम्बेलीफेरी फैमिली का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। कौन सी फैमिली का? अम्बेलीफेरी। अम्बेलीफेरी फैमिली का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। एग्जाम्पल इनके, इसके एग्जाम्पल हैं बच्चों कैरोट हो गया और कोरिएंडर हो गया। कोरिएंडर में आपको कंपाउंड कोरियम देखने को मिलेगा। कंपाउंड कोरियम किसमें? कोरिएंडर में, कोरिएंडर में, ठीक है। और इसके अलावा एग्जाम्पल हो गया अम्बेल का कैरोट। गाजर जो होती है उसमें आपको अम्बेल टाइप का इन्फ्लोरेसेंस देखने को मिलेगा। किस तरह का? अम्बेल टाइप का इन्फ्लोरेसेंस देखने को मिलेगा। इंपॉर्टेंट चीज एक ये भी है यहां पर कि ब्रैक्ट फॉर्म ए वॉर्ल इन वॉल्कर। ब्रैक्ट फॉर्म ए वॉर्ल इसे क्या बोलते हैं? इन वॉल्कर कहा जाता है। इन वल्कर ध्यान रखिएगा। इनवॉल्कर इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट बच्चों, ब्रैक्ट फॉर्म ए वॉर्ल कॉल्ड इनवॉल्कर। ब्रैक्ट फॉर्म ए वॉर्ल कॉल्ड इनवॉल्कर। तो शॉर्ट एक्सिस के अंदर एक तो कोरिम है जिसके अंदर सेम लेवल पर फ्लावर होंगे, नियरली सेम लेवल पर, लेकिन लोअर फ्लावर के पेडिसेल लंबे होंगे, अपर फ्लावर के पेडिसेल छोटे होंगे। लोअर फ्लावर के पेडिसेल लंबे, अपर फ्लावर के पेडिसेल छोटे। फिर दूसरा है अम्बेल। अम्बेल के अंदर सारे के सारे पेडिसेल की लेंथ जो होगी वो लगभग समान होगी और एक कॉमन पॉइंट से अराइज होते हैं, ठीक है। और ये क्या है? ये सिंपल अम्बेल है और ये कंपाउंड अम्बेल है। इस तरह का रिप्रेजेंटेशन आपको कंपाउंड अम्बेल में देखने को मिलेगा। ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर है फैमिली अम्बेलीफेरिसी का। अम्बेलीफेरी का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है फैमिली अम्बेलीफेरी का, ठीक है। एग्जाम्पल है कैरोट और कंपाउंड अम्बेल आपको कहां देखने को मिलेगा? कंपाउंड अम्बेल जो होता है वो कोरिएंडर के अंदर देखने को मिलेगा। धनिया जो होता है कोरिएंडर, ठीक है। और इनमें ब्रैक्ट फॉर्म में वॉर्ल, ब्रैक्ट जो होते हैं वो एक घेरा बनाते हैं। ब्रैक्ट जो होते हैं वो एक घेरा बनाते हैं, उस घेरे को इनवॉल्कर कहा जाता है। ब्रैक्ट एक घेरा बनाते हैं, उस घेरे को इनवॉल्कर कहा जाता है। इनवॉल्कर कहा जाता है। क्लियर? ओके। तो बच्चों आई थिंक इसको कंप्लीट कर दें क्या? चलिए कंप्लीट कर ही देते हैं। बस लास्ट बचा है रेसेमोज, कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है ना। बस थोड़ा सा 5 मिनट का बचा है। वरना फिर नेक्स्ट लेक्चर के अंदर अपन साइमोज से स्टार्ट करेंगे। ये फिर बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। इतना आप, मुझे लग रहा है अभी कि सर बस करो, बस थोड़ा सा और है, लास्ट है बच्चों। मेन एक्सिस जो होता है फ्लैट होता है। मेन एक्सिस फ्लैट, ठीक है। तो ऐसा कौन सा है? हेड या कैपिटलम वाला हेड। इंपॉर्टेंट है ये इंपॉर्टेंट है बच्चों। यहां से सवाल आते हैं
तो स्किप मत करना इसको, ये इंपॉर्टेंट है। कैपिटलम, यहां पर लार्ज नंबर ऑफ सेसाइल फ्लावर बनते हैं, बियर लार्ज नंबर ऑफ सेसाइल फ्लावर, ठीक है ना, बहुत सारे सेसाइल फ्लावर बनेंगे। सेसाइल फ्लावर का मतलब क्या हुआ? सेसाइल फ्लावर का मतलब हुआ विदाउट पेडिसेल, विदाउट पेडिसेल, ठीक है। ऐसे फ्लावर क्या होते हैं? सेसाइल फ्लावर होते हैं। सनफ्लावर फैमिली का कैरेक्टरिस्टिक है ये, कौन सी फैमिली का? सनफ्लावर की फैमिली का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है ये। और सनफ्लावर फैमिली कौन सी होती है? फटाक से रिप्लाई करना, सनफ्लावर फैमिली कौन सी होती है? कॉम्पोजिटी, शाबाश, कौन सी? कॉम्पोजिटी। कॉम्पोजिटी फैमिली का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, मोस्ट एडवांस टाइप का इनफ्लोरेसेंस है, ध्यान रखना, ठीक है ना, हाईली एडवांस टाइप ऑफ इनफ्लोरेसेंस, एडवांस्ड टाइप इनफ्लोरेसेंस, इनफ्लोरेसेंस, एडवांस टाइप का इनफ्लोरेसेंस कहा जाता है। किसको? कैपिटलम टाइप को। किसके अंदर देखने को मिलता है? सनफ्लावर हो गया और मैरीगोल्ड हो गया। एग्जांपल, सनफ्लावर, सनफ्लावर, मैरीगोल्ड, गेंदा हो गया और सनफ्लावर। अब यहां पर एक चीज बच्चों ये निकल कर आती है, यहां पर एक चीज ये निकल कर आती है कि सनफ्लावर जो होता है उसमें आप इस तरह के स्ट्रक्चर देखते हो सेंटर के अंदर, ठीक है, और फिर यूं बाहर की तरफ ऐसी स्ट्रक्चर्स होती है, ठीक है, इसी तरह का होता है सनफ्लावर, भाई लगभग ऐसा ही होता है दिखने के अंदर सनफ्लावर, बीच में बहुत डेंस होता है। तो ये सनफ्लावर जो है ना, सनफ्लावर हो गया, मैरीगोल्ड हो गया, सनफ्लावर हो गया, मैरीगोल्ड हो गया, ये कोई एक फ्लावर नहीं है, ये इनफ्लोरेसेंस है पूरा का पूरा, ध्यान रखना, सनफ्लावर इज एन इनफ्लोरेसेंस। मैरीगोल्ड गेंदा हो गया, वो गेंदा एक फ्लावर नहीं है, वो पूरा इनफ्लोरेसेंस है, पूरा इनफ्लोरेसेंस है, वाकई अमेजिंग फैक्ट है ये कि ये कोई एक पुष्प नहीं है, पूरा पुष्प कर्म है, लार्ज नंबर ऑफ फ्लावर होते हैं एक सनफ्लावर में। इन्हें क्या बोलते हैं? इन्हें कहते हैं रे फ्लोरेट, इन्हें रे फ्लोरेट, और जो सेंटर वाली होती है इन्हें डिस्क फ्लोरेट कहा जाता है, रे फ्लोरेट और डिस्क फ्लोरेट, ये जो भीतर है ये डिस्क फ्लोरेट है और ये बाहर की तरफ जो है ये रे फ्लोरेट होती है। तो सेसाइल फ्लावर होते हैं, फ्लैट पेडिसेल, किस तरह का दिखता है इसका पुष्पकर्म? इस तरह से। सेसाइल फ्लावर होंगे तो वो बिना पेडिसेल के होंगे, लार्ज नंबर ऑफ फ्लावर होंगे, तो ये होता है इसका साइन। ये क्या है? ये कैपिटलम का साइन है, किस तरह से कैपिटलम को रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है बच्चों कि सनफ्लावर जो होता है वो क्या है? एक इनफ्लोरेसेंस है। सनफ्लावर कोई एक फ्लावर नहीं है, वो चाहे सनफ्लावर हो गया चाहे मैरीगोल्ड हो गया, ये कंप्लीट इनफ्लोरेसेंस है, कंप्लीट इनफ्लोरेसेंस है, ध्यान रखिएगा। सो आई होप ये सारी की सारी चीजें जो है वो क्लियर है। ये सवाल पूछे जाते हैं, यहां पर इंडिविजुअल जो है इसे फ्लोरेट कहा जाता है, और जो आउटर होती है उन्हें रे फ्लोरेट कहते हैं, और इनर जो होती है उन्हें डिस्क फ्लोरेट कहा जाता है। क्लियर? सो उम्मीद करता हूं कि आपको रेसेमोज टाइप जो है वो क्लियर हुआ। रेसेमोज में अपन ने इलोंगेटेड एक्सिस वाले पढ़े, कौन कौन से? सिंपल रेसेम पढ़ा, स्पाइक पढ़ा, कैटकिन पढ़ा और स्पैडिक्स पढ़ा। देन अपन ने शॉर्ट एक्सिस वाले पढ़े, शॉर्ट एक्सिस के अंदर अपन ने कौन कौन से पढ़े? शॉर्ट एक्सिस के अंदर अपन ने कॉरिम्ब पढ़ा, अम्बेल पढ़ा। देन फ्लैट एक्सिस वाले पढ़े, जिसमें अपन ने हेड या कैपिटलम टाइप का इनफ्लोरेसेंस पढ़ा। ये सारे के सारे टाइप जो थे, ये सारे के सारे टाइप रेसेमोज के थे। ये सारे के सारे टाइप किसके थे? रेसेमोज इनफ्लोरेसेंस के टाइप थे।
सो आज लेक्चर घंटे भर का हो गया है, ज्यादा लंबा नहीं खींचेंगे। नेक्स्ट लेक्चर जो रहेगा वो साइमोज पे रहेगा। सो आज के सेशन में बच्चों इतना ही पढ़ेंगे। उम्मीद करता हूं आपको सारी चीजें अच्छे से क्लियर रही। फिर भी अगर कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट नंबर चैनल के अबाउट में दिए हुए हैं। सो जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों, आपके लाइक्स के लिए, शेयर के लिए। सो आज के सेशन में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए पढ़ते रहो, मेहनत करते रहो। टाटा बाय बाय, हम होंगे कामयाब।